हेल्पर है। और कोई आदमी की जरूरत है आपको इस समय यहाँ पे? तो दोस्तों मैं आपको पूरा लाइव एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ किचन के अंदर कैसे काम होता है, आप प्लीज मुझे बताइएगा अगर किसी कोई आदमी की जरूरत पड़ती है। आप कॉन्टेक्ट नंबर देंगे आपको? जी जी जी। हाय टीम, तो कैसे हैं आप सब, स्वागत है चैनल टीवी विक्रांत में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं नया किचन ओपन हुआ है अजमान एरिया में और रम्माल पॉपुलर किचन के नाम से ओपन हुआ है। तो मैं दोस्तों आज आपको किचन के अंदर लेके जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि किचन में काम कैसे होता है। और दोस्तों ये वीडियो सबके लिए है जो दुबई आने वाले हैं और दुबई में जिसको सस्ता खाना चाहिए, ये वीडियो खास उनके लिए है कि किचन में काम कैसे होता है और किचन से खाना आपको कितना सस्ता मिलता है दुबई यूएई के अंदर अजमान के अंदर। तो हम जाएंगे किचन के अंदर, वहाँ पे हमारे भाई लोग काम कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि उनका काम कैसा होता है और उनकी पॉपुलर डिशेस भी चेक करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे हमको खाने को मिलता है और प्राइस क्या है फूड का। यानी कि वीडियो एट ऑल सबके लिए है जो दुबई में आना चाहते हैं जॉब करने के लिए, होटल लाइन में उनके लिए भी है और जो दुबई आ रहे हैं घूमने के लिए या काम करने के लिए या रहने के लिए सस्ते खाने के लिए। तो हम चलते हैं अंदर और बात करते हैं भाइयों से। तो भाई कैसे हैं आप? सलाम, कैसे हैं भाई? थोड़ा बताइए, खासियत बताइए अपने किचन के बारे में। ये हमारा खासियत है ये चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, अच्छा मटन पुलाव। दोस्तों आपको लेके आता हूँ यहाँ पे। तो चिकन बिरयानी, चिकन पुलाव, मटन बिरयानी, मटन पुलाव, फिश बिरयानी, फिश बिरयानी, अच्छा मटन हरी। तो और इनका प्राइस दोस्तों आप देख सकते हैं कि छोटा पैकेट 7 ग्राम का और बड़ा 10 का। अच्छा, तो आज आप हमको थोड़ा अंदर भी लेके जाएंगे किचन में? यस 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 यस। आले आप ये, अच्छा हां, ये बड़ा सेफ्टी है बस। आप भी किचन के अंदर घुसने से पहले आपको सेफ्टी पहला बहुत जरूरी है। अच्छा भैया, ये जो डिपार्टमेंट है मतलब हर चीज के लिए आप भी अलग अलग रखा हुआ है आपने किचन में? हां अलग अलग रखा है, सबका डिपार्टमेंट अलग 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 अलग। आपका क्या डिपार्टमेंट है यहाँ पे? आप मेरा कैशियर का डिपार्टमेंट। अच्छा, तो ये आप बिल वगैरह सब कुछ? हाँ सब कुछ मिल करते हैं। हाँ बिल वगैरह सब कुछ आप ही करते हैं? यस। अच्छा, तो अभी जाएंगे अंदर और आपको दोस्तों अंदर का पूरा किचन दिखाएंगे, हमारे शेफ लोग भाई लोग अंदर काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पे कहाँ से ज्यादा भाई लोग, इंडिया से, पाकिस्तान से, कहाँ से? हाँ बांग्लादेश से है। अच्छा, मैं भी बंगाली। अच्छा, बांग्लादेश से और स्टाफ को है बंगाली, बांग्लादेश से है और पाकिस्तानी दो। सबसे सीनियर शेफ जो होता है वो पाकिस्तान से अभी है। हाँ अभी है। और ये रोटी वाला जो शेफ है वो अफगानिस्तान से। तो चलो दोस्तों फिर चले अंदर, चले अंदर और दोस्तों आपको किचन दिखाते हैं कैसा है किचन। चलो, और दोस्तों बस सेफ्टी आपको रखनी है, जैसे मैंने ग्लव्स पहन लिए और सर पे ये बांध लिया है। आ जाओ। कैसे हैं भाई जान? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। अच्छा, तो आपका तंदूर का डिपार्टमेंट आपका है? हाँ। तो सारा मतलब रोटी का सिस्टम आप देखते हैं? हाँ। अच्छा, तो कौन कौन सी मतलब रोटियां बनती है आप थोड़ा बताइए। हमारा रोटी में पाकिस्तानी रोटी मिलता है, अफगानी मिलता है, ज़ाफ़र मिलता है, चीज़ मिलता है वगैरह, आलू पराठा मिलता है, घी बनान मिलता है, ऐसा वगैरह वगैरह डिफरेंट मिलता है। अच्छा, तो ये इसका प्राइस वगैरह क्या क्या है भैया? इसका प्राइस तो सर 1 ग्राम, इसका 1 ग्राम है, इसका 1 ग्राम। अच्छा, और चीज़ 4 ग्राम, चीज़ वाला 4 ग्राम, चीज़ ज़्यादातर घी बनान वगैरह, बताता आलू 4 ग्राम। तो आपका नाम तो बताएं? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। तो ये भाई हमारे पाकिस्तान से? मैं अफगानिस्तान से। तो ये मिस्टर मोहम्मद यूसुफ भाई अफगानिस्तान से। तो ये काम आप मुल्क में सीख के आए थे, आपको आता था मुल्क में? हाँ मुल्क में। अच्छा, मुल्क में आप ये काम आपको पूरा आता था? हाँ। अच्छा, तो दोस्तों आपको काम आना चाहिए, ठीक है, अगर आप जब इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश कहीं से भी आप आए, आपको मुल्क से काम आना चाहिए, तभी मतलब सभी काम यहाँ पे आप कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, तो ये सारा बेकरी का सिस्टम आप संभालते हैं, रोटी का, तंदूर का? अच्छा, काफी अच्छा लगा। तो ये आपका ये तंदूर की आपकी? हमारा ये तंदूर अभी मैंने बंद किया क्योंकि अच्छा, लेकिन ये तंदूर है। अच्छा, देख सकता है अभी आगे। दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया मिस्टर यूसुफ भाई पूरा तंदूर का डिपार्टमेंट संभालते हैं। तो आप कहाँ ले जाएंगे आप हमें? अब ये हमारा बिरयानी का सेटर। अच्छा, ये हमारा सबसे सीनियर शेफ है। अच्छा, क्या नाम है इनका? क्या नाम है आपका? अच्छा, तो ये सारा आप संभालते हैं, क्या क्या बनाते हैं आप थोड़ा दिखाइए। मटन पुलाव, ये पूरा मटन पुलाव है। अच्छा,
तो दोस्तों देख सकते हैं ये सारा आपने अकेले बनाया? यस सर, अंदर साथ है ना, पास मेरे को हेल्पर है ना साथ। अच्छा, मिलजुल के हम बनाते हैं। ये हमारा मटन बिरयानी हो गया, मटन पुलाव। मटन पुलाव तो ये हमारा मटन पुलाव है। उसके अलावा चिकन बिरयानी, तो दोस्तों मैं आपको पूरा लाइव एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ किचन के अंदर कैसे काम होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई ने बनाया है मटन पुलाव और ये हमारा चिकन बिरयानी। कितना टाइम लगता है इनको पकने में? लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। 3 से 4 घंटे काम के ऊपर है, काम कितना है, काम है ज्यादा। अच्छा, उस हिसाब से मटन बिरयानी। ये हमारा मटन बिरयानी। वाह गजब, खुशबू आ रही है, मेरे को भी खाने का मन कर रहा है। टेस्ट होगा, कस्टमर आएगा, नाम सुनेगा, हमारा टेस्ट है पॉपुलर किचन के नाम से है और माल पॉपुलर के नाम। बाकी वहाँ पर सलोना आता है। अच्छा, जैसे चिकन कौरमा। चिकन कौरमा खाने पास ही खा ले। जैसे वहाँ पर चिकन कौरमा, ये चिकन कौरमा हो गया, ये वहाँ पर चिकन, ये सारा आप ही बनाते हैं? जी। अच्छा, जैसे ये दाल चना। दाल चना, सब्जी। सब्जी, सब्जी। तो आप ये बताएं, आप सारा आप ही बनाते हैं, सीनियर सर आप हैं, तो हमारे बहुत से जो भाई लोग हैं आना चाहते हैं किचन के काम में, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे? एक्सपीरियंस चाहिए, पहले एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ जो आएगा वो यहाँ पे आके परेशान नहीं होगा। अच्छा, एक्सपीरियंस होगा, ट्राई देगा, इंशाल्लाह काम पे लगेगा। अच्छा, जैसे कि अपने मुल्कों में भी ऐसा खाना, तो मतलब ऐसा तो नहीं कि डिफरेंट यहाँ पे है, खाना तो थोड़ा फर्क है, थोड़ा डिफरेंट है। जिसको एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेता है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो भी परेशान होता है। क्या कहना चाहेंगे कि कौन सी पढ़ाई लिखाई करें, कौन सा कोर्स करें अगर ऐसे किचन के काम में आने रहे? इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग करें, अपने उस्ताद बनाए, उससे काम सीखे, उसके बाद ट्रेनिंग करेगा, इंशाल्लाह कामयाब होगा। और कुछ सलाह देना चाहेंगे आप? सलाह ये मशवरा ये है, अपना टाइम जाया ना करें। अच्छा, इस दुनिया में है कोई मकसद है हमारा इस दुनिया में, कि उस मकसद को हासिल करना है हमने। अगर अपने माँ बाप बहन भाई के लिए हम अपना मुल्क छोड़ के आया, तो इधर ही हमने अपना काम करना है, एक माइंड बनाना है कि हमने इधर फजूल खर्ची नहीं करना, जो माइंड है हमारा अपना हासिल करके अपने मुल्क जाके अपना कारोबार करेंगे और उससे अपना इंशाल्लाह घर चलाएंगे। आपको कितना साल हो गया दुबई के अंदर में? मुझे दुबई में अलहमदुलिल्लाह 1 साल हो गया। अच्छा, बाकी जो है हमें काम में 12 साल हो। अच्छा अच्छा, मुल्क में आपको 12 साल हो गए, दुबई में 1 साल। तो देख सकते हैं दोस्तों ये भाई को अभी 1 साल हो गया है, और देख सकते हैं कि सारे डिशेस भाई ने दिखाई है यहाँ से, आप देख सकते हैं दोस्तों, मटन पुलाव, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, और यहाँ पे इनका पूरा सालन देख सकते हैं दोस्तों, चिकन लाजवाब, लाजवाब, दाल चना और सब। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। और ये भाई यहाँ पे थोड़ी क्लीनिंग कर रहे हैं, तो बांग्लादेश में भी आप काम करते थे क्लीनिंग का? अच्छा, तो दोस्तों ऐसे यहाँ पे किचन में हेल्पर की जरूरत पड़ती है। और कोई आदमी की जरूरत है आपको इस समय यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हमारा नया स्टार्टिंग है, जैसे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह काम ऊपर जाएगा। आप प्लीज मुझे बताइएगा अगर किसी कोई आदमी की जरूरत पड़ती है, आप कॉन्टेक्ट नंबर देंगे आपको? जी जी जी। तो दोस्तों आपको मैंने पूरा सीन दिखाया है किचन के अंदर की कैसे काम होता है, क्या क्या खाना बनता है, और किस किस टाइम पे खाना बनाते हैं आपको? मॉर्निंग में, सुबह स्टार्टिंग होती है हमारी, उसके बाद दोपहर तक, दोपहर में फिर दोबारा स्टार्टिंग होती है रात तक। हम फ्रेश देते हैं, कस्टमर को फ्रेश चाहिए, हम टेस्ट भी अच्छा होगा, फ्रेश चीज देंगे, कस्टमर भी अच्छा रहेगा, और इसमें हमारा कंप्लेंट नहीं है। सर्विस है, फूड इंडस्ट्री में हमारे क्या सर्विस है। कटिंग वगैरह करने के लिए भी आप? कटिंग का अलग हेल्पर है, ये वाश वाला भाई है और कटिंग वाला हेल्पर है, रेस्ट भी आएगा। तो टोटल मैक्सिमम कितने स्टाफ चाहिए किचन में? एक किचन में मैक्सिमम 5 बंदे चाहिए, एक शेफ है, बाकी 4 हेल्पर है, कुछ रेस्ट पे जाता है, कुछ बाद में आता है, इस तरह से। तो ये भाई तो हमारे कैशियर हैं, मेन जो पैसा संभालते हैं, ये हमारे तंदूर के उस्ताद हैं और मेन शेफ ये भाई हैं। एक फोटो हो जाए साथ में, है ना। तो दोस्तों हमारे कस्टमर हैं, तो कितने ग्राम के बोले मटन पुलाव? 15 ग्राम की मटन पुलाव देना है। अच्छा, 15 ग्राम है हमारे, यस, ये पहले से कस्टमर होते हैं, टेस्ट करेंगे। 15 ग्राम है मटन पुलाव। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी है, मतलब अगर आप जब आते हैं दुबई में घूमने के लिए सस्ता खाना पूछते हैं, तो ये देखिए 15 ग्राम है आपका मटन पुलाव, क्वांटिटी देखिए एकदम जबरदस्त। अच्छा, मेरी क्या बना रहे हैं आप ये? रोटी का ऑर्डर है। अच्छा, तो दोस्तों आपको पूरा लाइव एक्सपीरियंस करा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे तंदूर। जैसे कि आप अंदर देख सकते हैं दोस्तों, तंदूर हाँ भाईजान ने लगा दिया है,
दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी बन चुक लगभग बनने वाली है रोटी, तो ये देखिए रेडी हो चुकी है। वाह गजब, आपने अच्छा हमको दिखाया किचन, सारा एक्सपीरियंस हो गया, जितने भी हमारे भाई लोग आने वाले हैं अलग अलग कंट्रीज से, तो आप मुझे बता सकते हैं अभी ड्यूटी कितने घंटे होती है? 8 घंटा ड्यूटी है, 1 घंटा रेस्ट है। अच्छा, और ओवर टाइम रहता है आपके उसके ऊपर? ओवर टाइम इससे एक्स्ट्रा काम करेंगे, ओवर टाइम रहता है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी सैलरी मैक्सिमम कितनी होती है इसमें? सैलरी इसलिए नहीं बता सकते, ये भाई जैसे तंदूर का डिपार्टमेंट है, इनका सैलरी चेंज है। अच्छा, मेन शेफ पे हमारा सैलरी चेंज है, वो भाई हेल्पर है उसका सैलरी चेंज है। अच्छा, इसलिए अब फिक्स सैलरी हम बताएंगे, आने वाले को थोड़ा टेंशन परेशानी होगा कि उसके लिए हम बताएगा कुछ और, वो आएगा तो आगे कुछ और। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि एक फिक्स सैलरी बताना अलग है, क्योंकि सबकी सैलरी अलग अलग होती है सबके एक्सपीरियंस के हिसाब से, यानी कि आपको कितना काम आता है या आपको आगे काम सीखना है तो आपको उस हिसाब से सैलरी दी जाएगी, फिर बाद में अगर आपको काम अच्छा आएगा तो आपकी सैलरी बढ़ती है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा आपका वीडियो था आपको दिखाने के लिए कि किचन में कैसे काम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से हमको दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था आपके लिए। आप पूछते हैं कि दुबई के किचनों में रेस्टोरेंट में कैसे काम होता है, तो हम आपको किचन के अंदर ले गया, आपको लाइव एक्सपीरियंस बताया, हमें शेफ लोग से मिलवाया, बातचीत करी हमने, तो पूरा एक्सपीरियंस लिया। सैलरी वो लोग भाई इसी ने बता पाया दोस्तों, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की सैलरी अलग होती है और एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। बाकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो करते हैं पे एंड, हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।